वेरी गुड आफ्टरनून टू माय डियर स्टूडेंट्स. गुड आफ्टरनून सर. देना चाहिए अदर देन द लेंथीएस्ट वन. जो करंट अकाउंट के क्वेश्चन हैं वो मैंने आज प्लान किए हुए हैं. आई एम अबाउट टू डू विद देम. बट इफ यू वांट कि सर ये पर्टिकुलरली ऐसा सम है जिसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट है या फिर कोई एक ऐसा पॉइंट है जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है, सो लेट मी नो. अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैंने सभी को इलस्ट्रेशन नंबर 5 and 3 होमवर्क में दिया था, राइट? वर यू एबल टू सॉल्व देम? सॉल्व किया था उसे? पक्का, एकदम ईमानदारी से? बिल्कुल. अच्छा चलो ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे. सो गिव मी द क्वेश्चन फॉर द डे और एल्स आई शैल फाइंड इट. Everyone come to page number 86, question number 17. Page number 86, question number 17. Let us continue with the question now. Question number 17. Mark this question, one of the important and to be very hot favorite to be asked in our upcoming board exam. Aur aisa kyun hoga? Ye main adjustment discuss karte time batata hoon. Mark this, very important. ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सम है, ठीक है ना? मन एंड मोहन आर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन 1:1. यहां पर सभी अंडरलाइन कर लें, प्रॉफिट एंड लॉस प्रोपोर्शन 1:1. सो ये हमें प्रॉफिट, नेट डिविजिबल प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूशन करने में काम लगेगा, right? So now from the given below trial balance and adjustments prepare final accounts. यहाँ पर हमें कहा है prepare final accounts means we'll prepare all, right? But let's see what are available in the question. Now we have capital and drawings. मैं आप लोगों को unmute कर रहा हूँ, अगर चाहो तो participate करो. Capital and drawings. Now, first in the question, CCD. इसमें से हमें क्या दिया हुआ है? Capital, current and drawings. We have also current account. We have current account also. So now, we will have which method here? देखो, chapter number 1 में कुछ हमने समझा था fixed capital method and fluctuating capital method. है ना? किसी को याद है क्या था? Fixed capital method, fluctuating capital method, क्या था? Just for your knowledge, anyone? Yes, please answer. Yes, sir. Jethal beta. Sir, fixed capital method में हमें current account और capital account बनाना था, लेकिन fluctuating में सिर्फ capital बनाना था. मतलब कि capital में additional अगर fixed है तो additional capital, capital brought in by partners और closing capital से वही आएगा, और current account में बाकी सारे उसके छोड़कर सारे चीजें current account में जाएगी. बहुत अच्छे. देखो, कहने का मतलब है कि company दो चीजें, दो तरह से आप अपने capital को follow कर सकते हो. एक है fixed capital method. इसका मतलब fixed capital method क्या हो जाएगा? आपका capital will be fixed. मतलब आप अगर अप्रैल में देखोगे तो भी सेम कैपिटल है, आप अगर दिसंबर में देखोगे तो भी सेम कैपिटल है, और मार्च ईयर एंडिंग में भी देखोगे तो भी कैपिटल आपका सेम रहेगा. इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल विल बी सेम एज क्लोजिंग कैपिटल. कैपिटल में कोई चेंजेस आ ही नहीं रहे हैं, इसीलिए ऐसे कैपिटल को क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कैपिटल मेथड. इसका मतलब यहाँ कैपिटल तो सेम हो गया, जो अमाउंट आप ओपनिंग में लिख रहे हो कैपिटल बैलेंस में वही आपका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, और क्लोजिंग बैलेंस वाला कैपिटल हम कहाँ लिख देते हैं? फाइनली बैलेंस शीट लायबिलिटी. तो नो नीड टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट जब वो सेम ही रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है. अदर देन एडिशनल अमाउंट, अगर कोई एडिशनल कैपिटल लाते हो तो ही यहाँ पर चेंजेस होता है. तो यहाँ पर
कैपिटल फिक्स है क्योंकि क्योंकि बाकी सारे एडजस्टमेंट कहाँ चले जाएंगे? विच अकाउंट? करंट अकाउंट, करंट करंट अकाउंट. अकाउंट, चेंजेस विल टेक प्लेस इन विच अकाउंट? करंट करंट अकाउंट. अकाउंट क्योंकि कैपिटल क्या है? क्या है? फिक्स है. फिक्स्ड। कैपिटल यहाँ पे फिक्स हो गया, तो यहाँ कैपिटल में से कोई भी चेंज होना मांगता नहीं. इसका नहीं मतलब यहाँ कैपिटल को कहाँ लिखेंगे? लायबिलिटी. है बैलेंस शीट लायबिलिटी। डायरेक्ट लिख दो क्रेडिट कैपिटल. इट इज अ लायबिलिटी. देखो क्रेडिट बैलेंस आपको दो चीजें देगा, या तो लायबिलिटी या तो इनकम. अच्छा डेबिट दो चीजें देता है, असेट या तो एक्सपेंसेस. डेबिट वाले बैलेंस में या तो एक्सपेंस होगा या तो असेट होगा. समझ गए? चलो अब हम यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनाने वाले हैं? करंट हम अकाउंट, बनाएंगे करंट अकाउंट. तो मार्केट पार्टनर्स करंट अकाउंट. मन विल गो ऑन डेबिट साइड, मोहन विल गो ऑन क्रेडिट साइड. अब हमारा पीसीए मतलब पार्टनर्स करंट अकाउंट हो जाएगा. चलो ड्राइंग्स को क्या मार्क करेंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट, डेबिट साइड, डेबिट डेबिट साइड। साइड. मार्क दिस बोथ. आर यू क्लियर विद द मार्किंग्स? एनी डाउट्स अप टिल हियर? नो सर, नो सर। बढ़िया. अब परचेजेस, मार्केट ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड. बहुत अच्छे. ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड, डेबिट साइड, परचेज. सेल्स क्रेडिट साइड, क्रेडिट यस, साइड, क्रेडिट साइड. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड. कैरेज आउटवर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट साइड. मशीन, असेट, असेट, ऑफिस का मशीन है तो इसका डेप्रिसिएशन जाएगा पीएनएल ट्रेडिंग अकाउंट में. पीएनएल अकाउंट, अच्छा परचेज ऑफ ऑफिस मशीन. एड इन या ओपनिंग, एडिशन इन एड पर अमाउंट, इन एंड असेट, प्लस इन असेट. बिल्डिंग, असेट, ऑफिस सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस. कस्टमर, डेटा, डेटा, डेबिट बैलेंस मतलब यहाँ असेट, पर मार्क करो असेट. सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, मार्क करो लायबिलिटी. लायबिलिटी, नाउ गुड्स रिटर्न, बैलेंसेस ये हैं. ट्रेडिंग सो अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, मार्क ओवर हियर ट्रेडिंग अकाउंट. डेबिट, बट नाउ दिस वन डेबिट विल बी विच रिटर्न? सेल्स रिटर्न. सेल्स सेल्स रिटर्न. तो इसको क्या लिखेंगे? माइनस फ्रॉम फ्रॉम सेल्स. सेल्स इसको लिखेंगे परचेज रिटर्न माइनस फ्रॉम परचेज. अच्छा वेट चार्जेस रिलेटेड टू ट्रेडिंग गुड्स, ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड. लोन ऑफ मन, हु इज मन? पार्टनर. लायबिलिटी, लायबिलिटी, लायबिलिटी. अच्छा इसके रिलेटेड एक और चीज, यहाँ पे छुपी हुई है, हिडन एडजस्टमेंट हो सकता है. इंटरेस्ट ऑन लोन. हाँ क्या कोई इंटरेस्ट दिया है? सबसे पहले तो एडजस्टमेंट में ढूंढो कोई इंटरेस्ट दिया है क्या. नो, मन के लिए, यस सर, मन के दिया लिए हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन, ट्रायल बैलेंस इंटरेस्ट में ऑन दिया लोन हुआ है। दिया नहीं. सो हिडन एडजस्टमेंट, हिडन नो, एडजस्टमेंट क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट इंटरेस्ट एट द रेट एट द रेट 6%. बहुत सिक्स बढ़िया, परसेंट बहुत बढ़िया, वेरी नाइस. नाउ कैरिज इन बोर्ड, ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट, गुड्स डेबिट स्टॉक साइड, ओपनिंग ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एक्सपेंस, पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट. पीएनएल यस, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया था. नाउ दिस वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, डेबिट वाला अमाउंट है वेजेस का, एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस, एक्सपेंस, लायबिलिटी, लायबिलिटी. सो क्रेडिट इट इज अ लायबिलिटी, दिस विल हैव क्रेडिट अमाउंट. कमिंग पेड इन एडवांस, एडवांस में पे कर दिया. व्हाट इज नाउ रिसीवेबल? सर्विसेज रिसीवेबल. सर्विस मिलेगा यस. सो वैसे भी अगर यहाँ पर कोई कंफ्यूजन हो तो देख लेना डेबिट कॉलम में है या क्रेडिट में है. डेबिट, डेबिट, तो डेबिट डेबिट रिसीव यू,
what debit column will give you? Asset or expense? Asset. Advance है, तो ये हो जाएगा आपका asset. Asset. Now bank account and cash account. सबसे पहले cash को पकड़ें. Debit. Cash. Debit. Yes. Debit balance. Cash. Asset. तो bank account क्या हो जाएगा? Liability. Yes. Liability because bank overdraft. Overdraft. So bank overdraft will be a liability. Liability. Further interest on loan. अच्छा यहाँ देखो, यहाँ कौन सी लोन का इंटरेस्ट होगा? एक ही लोन लिया है हमने, लोन ऑफ मंथ. लोन ऑफ मंथ. तो इस मंथ के लोन पे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है 400. इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट. वैसे सारे इंटरेस्ट कहाँ जाते हैं, कौन से अकाउंट में? PNL डेबिट. इसका एडजस्टमेंट हम हिडन है, डायरेक्टली देखेंगे. अच्छा इन्वेस्टमेंट इन 8% इन्वेस्टमेंट करंट अकाउंट आल्सो डन. एनी डाउट विद द ट्रायल बैलेंस आइटम्स? एनीवन हैविंग एनी डाउट? सर इंटरेस्ट इन 8% हिडन एडजस्टमेंट. यस वी हैव इंटरेस्ट इन 8%. यस हियर 8% इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट विल बी हिडन एडजस्टमेंट. बहुत बढ़िया. सो लिख दो यहां पे हिडन एडजस्टमेंट इंटरेस्ट एट द रेट 8%. 30,000 पे 8%. और ट्रायल बैलेंस के आइटम्स में कभी भी हो दो चीजें याद रखना, डेट एंड परसेंटेज रेट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट इन फाइंडिंग हिडन एडजस्टमेंट्स. डेट एंड परसेंटेज रेट. चलो नाउ वी विल प्रिपेयर हियर ट्रेडिंग अकाउंट, profit and loss account. Any adjustment do we have related to appropriation? क्या क्या होता है? Interest on capital, interest on drawings, interest on current account for this question, या फिर transfer to general reserve, या फिर चापला partners, तुम आगे जे salary, bonus, remuneration, we have अपने पास यहाँ पर? No. बिल्कुल नहीं होता. तो profit and loss appropriation account बनाएंगे. Nay, quickly make the format and let's continue with the question. Quick. Now, with the very first adjustment, let us go with the format. On page number 86, question number 17 in the book of the partnership firm of Mann and Mohan. My prediction says this question can be in our board exam. Jeez. Yo. काफी अच्छे adjustments हैं इसमें. Now we have partners current account here. Write down the name. Mann and Mohan. Since we don't have any adjustment regarding PNL appropriation, we will not prepare because in such case, net divisible profit will be equal to net profit. और हम इसका हिसाब लगा लेंगे appropriation के जगह पे PNL account में. चलो question शुरू करते हैं. जल्द से जल्द. The value of closing stock is 80,000. If its market value is 10% more. 10% more देख के क्या कर दोगे? Cross. Because closing stock is recorded at less market price. Whatever is less. Or cost price, whichever is less. 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 अच्छा कौन से principle के हिसाब से ये बनाते हो? Principle of prudence. Prudence. Or conservatism. So क्या दो adjustment के दो effect क्या जाएंगे यहाँ पे? ट्रेडिंग क्रेडिट साइड. लिखो ट्रेडिंग अकाउंट पे. सर कौन सा प्रिंसिपल? कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल. प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल कहता है कि आपको अगर फ्यूचर में ऐसा कोई लॉस होने वाला है तो उसके लिए अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दें. इसलिए यू हैव टू बी कंजर्वेटिव. मोर वाला नहीं लेते, इसलिए लेस लेते हैं.
एंड हियर क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट एसेट साइड 80,000 बहुत इजी वाला था सर ये तो. नेक्स्ट प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 10% ऑन मशीन एंड बिल्डिंग. पुट इट ऑन मशीन. Put it on machine and also purchase of machine additional. So let us go with the machine part first. Purchase किया 1/4/16 को. हमारा year ending क्या है? 31/3/17. ये तो closing date है. इसकी opening date क्या हुई होगी? 1/4/16. मतलब इसी साल पहली तारीख को ही, साल के पहले दिन को ही हमने परचेज कर लिया. बहुत अच्छा हो गया. डेप्रिसिएशन विल बी कैलकुलेटेड फॉर 12 मंथ्स. अंडरस्टूड. सो प्रेजेंटेड इस क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन के ही आपको मार्क्स मिल रहे हैं. पुट इट ओवर हियर. मशीनरी इट इज फॉर ऑफिस पर्पस. 1,50,000 and purchase of machine on 1/4/16. Yes, so 1/4/16 you purchase 40,000 additional. 40,000. अब हमारे पास total machine हो जाएगा 1,90,000. इसपे क्या लगाएंगे? Depreciation. कितना? At the rate 10%. तो calculate 19,000. 1,71,000. बहुत अच्छे. अब ये डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट, 19,000 का दूसरा इफेक्ट क्या रहेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. कौन सा साइड? डेबिट साइड. सो राइट डाउन डेप्रिसिएशन ऑन मशीन. डेप्रिसिएशन 19,000 और मशीनरी डायरेक्टली क्लिक काउंटर कॉलम में 19,000. Any doubts here? No. What else? एक और चीज, बिल्डिंग बोला ना यहाँ पे. Yes. बिल्डिंग पे भी हमें डेप्रिसिएशन निकालना है. सो डिड यू पुट इट ऑन मशीन एंड परचेज? बिल्डिंग 2,50,000. तो बेटा जल्द से जल्द हम कैलकुलेट करेंगे. बिल्डिंग 2,50,000 माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%. अच्छा बिल्डिंग में तो कोई 25,000. सो डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन विथ 10% 25,000. 2,25,000. What will be your final? 2,25,000. माइनस किया. अब ये 25,000 का भी दूसरा इफेक्ट कहाँ चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. जल्दी लिखो. फेवरेट डेप्रिसिएशन का चैप्टर किया हुआ है 11th में. डेप्रिसिएशन ऑन मशीन एंड बिल्डिंग. अगर आप इनर कॉलम लिख के आउटर कॉलम में टोटल कर देते हो तो भी सही है, पर इफेक्ट होने चाहिए. दैट्स इट. मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता यहाँ पर यहाँ तक कोई भी डाउट होगा. एनीवन? अगर हो तो बोलना. अच्छा ये तो हुए सिंगल एडजस्टमेंट्स. नाउ बिफोर गोइंग विद डेटर का कोई भी एडजस्टमेंट करने से पहले क्या देखेंगे खास करके? कि कोई रेक्टिफिकेशन
या कोई भी मिस्ड आउट एडजस्टमेंट है या नहीं? मुझे दिख रहा है सर यहाँ पे एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर फिफ्थ. क्या हो रहा है एडजस्टमेंट नंबर फिफ्थ में? गुड्स आर मिस्ड आउट टू बी रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक. इस बच्चे ने, इस अकाउंटेंट ने सिर्फ 11th स्टैंडर्ड ही किया था, इसीलिए सब कुछ मिस कर दिया, 12th किया नहीं, बराबर. तो अभी 12th के लिए ये ट्रांजैक्शन हमारे पास आया है. सो 2000 इज मिस्ड आउट टू रिकॉर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक. चलो बच्चों यहीं पे बता दो, क्या दो इफेक्ट होंगे इसके? माइनस फ्रॉम सेल्स रिटर्न, माइनस फ्रॉम डेट. एक बार माइनस सेल्स रिटर्न बुक में ऐड होगा, सेल्स रिटर्न में ऐड होगा. हाँ, सेल्स रिटर्न में ऐड होगा. अच्छा, सेल्स रिटर्न में अगर ऐड होता है तो सेल्स रिटर्न को हम क्या करते हैं? माइनस फ्रॉम सेल्स. तो आप दो चीजें कर सकते हो बच्चों यहाँ पे. देखो ध्यान से देखना, दो चीजें हो सकती है. एक तो माइनस फ्रॉम सेल्स करो, या फिर इनर टू इनर कॉलम में लेकर सेल्स रिटर्न पे ऐड कर दो. दोनों चीजें सही है, बट हम याद रखेंगे फॉर आर कन्वीनियंस दिस वन, माइनस फ्रॉम सेल्स, क्योंकि हमने जो सामान बेचा था वो रिटर्न आ गया, तो अब वो मेरा सेल्स होगा नहीं, वो मेरा सेल्स गिना जाएगा नहीं. तो जो टोटल सेल्स है उसमें से इतने माइनस कर दो. ऑल्सो क्या वो कस्टमर से मैं पैसे लेने जाऊंगा 2000 रुपए? Will I go to ask for that money which is returned? जो पैसा, जो सामान उन्होंने रिटर्न कर दिया, क्या उसके पैसे मैं रिसीव करूंगा? Are they amount receivable? क्या कोई receivable होगा? नहीं. So we will say minus from debtors also. Debtors. समझ गए? Yeah. तो हम तो ऐसे याद रखते हैं, minus from sales, minus from debtors. Debtors. डेटर्स को यहाँ पर कस्टमर्स बोला गया है, तो पुट इकॉन कस्टमर एंड पुट इकॉन सेल्स. सेल्स हियर. नाउ फर्स्ट वी विल राइट हियर इन डेटर्स. चलो सबसे पहला इफेक्ट आप डेटर्स में यहाँ पे देंगे. So let us give the effect over here. Now debtors में add करना है कि minus करना है? Minus करना है. Minus. बराबर बोलना नहीं. So minus unrecorded sales return. So debtors को लिखो कितना है? 25,000. बहुत अच्छे. यहाँ पर देखा हमने डेटर का वैल्यू है 25,000 असेट. सेल्स रिटर्न 2000. राइट. तो अब 2000 का वैल्यू 23,000 remaining receivable 23,000 का सिंगल इफेक्ट एक रहेगा 5,000 सेल. तो सबसे पहले चलो सेल्स रिटर्न वाला भी इफेक्ट अगर दे रहे हो तो उसके हिसाब से भी आप कर सकते हो. सो वी विल पुट इट ऑन सेल्स, आल्सो पुट इट ऑन सेल्स रिटर्न. पहले सेल्स रिटर्न लिख लो 16,000, उसके बाद नीचे बताओ अनरिकॉर्डेड भी है हमारे पास. So now sales account 120,000 minus sales return 16,000 and also we have unrecorded sales return adjustment number 5. जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन होना चाहिए नहीं. 2000 we will minus. आप इन दोनों अमाउंट को यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो. यहाँ पर मैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इसीलिए
माइनस 120,000 माइनस 16,000 माइनस 2,000 आउटर कॉलम 102,000 बहुत अच्छे. Anyone having any doubts with this unrecorded sales returns? No. पूछो पूछो पूछो. अगर doubt है तो बिल्कुल पूछो. अच्छा जिन्होंने plus sales return वाला किया हो तो वो पहले क्या करेंगे? पहले 16,000 यहाँ अंदर लिखेंगे. Plus 2,000 plus करेंगे तो बाहर total minus कितना होगा? 18,000 minus हो जाएगा. वही बात. 18,000. 120 minus 18. 1,02,000. तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया. Now, yes. Anyone raise your hand doing up till here? Adjustment number 3 और 4 बाकी हैं. कोई 1, 2 और 5 के साथ कर रहा हो तो please let me know. Mark this. Very, very important. ये adjustment important बना रहा है और इसकी वजह से थोड़ा बाबा कैलाशनाथ जी predict कर रहे हैं कि शायद ये board exam में आ सकता है. Anyone still doing up till here? Chalo. No. Now debtor of rupees 10,000 became insolvent. Insolvent. Insolvent matlab? Bad debt. Bad debts. Aapne deshi Gujarati bhasha mein kahiye to lukho. Hai na? Insolvent. Paise nahi hai uske paas. हम गए पैसा मांगने, हमारा सामान तो ले लिया उसने, जेब बाहर निकाल के, दोनों जेबें बाहर निकाल के एकदम मजबूरी से हंस दिए, सर नहीं है, क्या करना है, पैसे नहीं है. इनसॉल्वेंट, ये हमारे बिजनेस का विजय माल्या है, बराबर. तो 10,000 रुपए, अब क्या करें? चलो ठीक है, आपकी तो इज्जत नहीं है, हमारी तो है. हम शर्मा गए आपसे पैसे मांगते मांगते. अब हम इसको क्या ट्रीट करेंगे? विल ट्रीट इट एज बैड डेट्स. एक वाला डेटर. अब इससे मैं पैसा मांगूंगा नहीं, नहीं, नहीं. जी ले अपनी जिंदगी. ठीक है, 10,000 बिकेम इंसॉल्वेंट. सो राइट डाउन ओवर देयर बैड डेट्स रिजर्व. ओके, बैड डेट्स रिजर्व बाद में. तो राइट डाउन ओवर देयर बैड डेट एडजस्टमेंट. 10,000 हो गया बैड डेट्स एडजस्टमेंट. चलो इसके दो इफेक्ट देते हैं. बैड डेट्स एडजस्टमेंट डायरेक्ट 10,000 अमाउंट विल बी हियर. नाउ आई विल हैव 13,000. अच्छा, इस एडजस्टमेंट को कुछ आगे पढ़ने की जरूरत रहेगी. वेट हियर. Wait everyone, 50% amount will be received as per instruction of his receiver. ये important है, ध्यान देना. अब हमारा bad debts, ध्यान देना video. Bad debts total कितना हो जाएगा? 10,000 into 50%. So I will have bad debts adjustment to be only 5,000. So everyone, please correct it over here. देखो, हमारे रिसीवर ने कहा कि 50% पैसा मिल जाएगा. कौन होता है रिसीवर? Raise your hand. ये रिसीवर कौन है सर? ओहो, प्रज्वल यादव फ्रॉम चेन्नई. यस बेटा. सर वो जो वकील मींस अपने जिसने अपने कोर्ट में जो करते के इसने नहीं दिया तो फिर मिलना चाहिए उतना 50%. तो जो लॉयर होता है वो लॉयर होता है रिसीवर. लॉयर तो वो होता है जो केस लड़ रहा है हमारी तरफ से. देखो हमने क्या किया, पैसा मिला नहीं. यू आर करेक्ट प्रज्वल, बट हमने पैसे रिसीव नहीं किए. उसके लिए हमने क्या कर दिया? ये तो 10,000 का अमाउंट भी भाई हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा. तो हमने केस कर दिया. तो कस्टमर ने भी अपने वकील को रखा, हमने भी अपना वकील रखा. पर फाइनली अगर इस तरह से हर कोई बिना प्लानिंग किए सामान खरीदते जाएगा हर किसी से और बाद में जेब निकाल के मुस्कुरा देगा कि सर पैसे नहीं है, तो क्या हो जाएगा? इकोनॉमी पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सबके लॉस ही होते जाएंगे.
फिर तो इस तरह से हर कोई मफत का सामान खा खा के अपनी जिंदगी जीता जाएगा, राइट? तो इसको कायदे कानून में कड़क बनाने के लिए व्हाट कोर्ट हैज डन, कोर्ट विल अपॉइंट अ पर्सन रिसीवर, कोर्ट विल अपॉइंट अ पर्सन। प्रज्वल क्या काम होता है रिसीवर का, जैसे आपने कहा? हाँ सर, क्या काम होता है रिसीवर का, काम क्या होता है, वो क्या करता है सर? वो मींस जिसका बैड डेट्स होता है उससे दिलवाता है, मींस सेल करके उसकी सब प्रॉपर्टी उससे दिलवाता है। अच्छा, वसूली वसूली भाई, वसूल करवाता है उससे, ऐसा? हाँ, धमकी दिलाता है उसको कि ए भाई पैसे नहीं दिया तो तेरे को टपका देंगे, ऐसा? नहीं 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 नहीं, लीगली रिसीवर क्या करता है, रिसीवर इज अपॉइंटेड फ्रॉम कोर्ट, रिसीवर विल कैलकुलेट द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बैड डेट, जो बैड डेट है उसके असेट्स और लायबिलिटीज को कैलकुलेट करेगा। उसके लिए उसको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, सीधा जा करके असेट्स और लायबिलिटीज कैलकुलेट करेगा, सारे असेट्स को सेल कर देगा, जितने भी असेट है किसके, बैड डेट्स के, और क्या पे कर देगा, लायबिलिटी पे कर देगा। बराबर आ गई बात समझ में? रिसीवर का काम क्या होता है, वो बैड डेट्स के जो डेटर है जिससे हमको पैसे लेने, उसके सारे असेट सेल करके फिर अंदाजा लगाता है कि किसको कितना पैसा मिलेगा। आप लोगों ने चुप चुप के मूवी देखा है? एवरीवन यस, देखा है चुप चुप के? उसमें 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 शाहिद कपूर, उसका स्टार्टिंग का सीन मेरे को बहुत अच्छा लगता है, उसके घर पे उसके पापा अनुपम खेर जो होते हैं, राइट, वो तंग आ जाते हैं क्योंकि ये बंदा क्या करता है, हर किसी से पैसे लेके गायब हो जाता है। और तुमने देखा एक टोडू भेगू थे जाए, सब लोग जमा हो जाते हैं उसके घर के पैसे, घर के आगे पैसे मांगने के लिए, कोई बोलता है मेरा 30,000 दो, कोई बोलता है मेरा 3 लाख लिया है पहले वो दो, कोई बोलता है नहीं मेरा 70,000 दो। तो अगर ऐसा अमाउंट, इतना सारा लायबिलिटी उसका बाकी होगा तो रिसीवर क्या करेगा, किसी एक को पैसा देगा? नहीं, दे विल टेक अ परसेंटेज। ये देखो सबको बोलेगा झगड़ा नको, सबको 50-50% हाफ ऑफ अमाउंट मिल सकता है, इसमें खुश हो जाओ, समझ गए? तो कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, सबको अपना अपना 50-50% मिल जाएगा। तो इस हिसाब से हमारे लिए यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, बैड डेट्स एडजस्टमेंट विल बी हाउ मच, 5,000 आ गया सभी को, 50% मुझे मिलने वाला है, अंडरलाइन दिस, विल बी रिसीव, क्या वो 50% मेरा बैड डेट्स है? नहीं है, वो तो मिलेगा, तो बैड डेट्स कितना है? 5,000। एनी डाउट विद दिस? नाउ प्रोवाइड 5% बैड डेट्स रिजर्व, लेट अस टेक बैड डेट्स रिजर्व, यहाँ पे सबने 5,000 कर दिया। नाउ टेक द अमाउंट, व्हाट विल बी योर बैड डेट्स रिजर्व अमाउंट, क्या कैलकुलेट करेंगे? 18,000 × 5% 900 900 900. एक बार फिर से, anyone wants to add something? Yes sir, इतना इजी होता तो ये आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क नहीं करवाया होता। सर 13,000 पे होगा ना? सर 30,000 पे होगा। हाँ बहुत अच्छे, 13,000 पे कैलकुलेट होगा। मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली सबके लिए इस एडजस्टमेंट को एक बार फिर से समझाना चाहूंगा, क्यों 13,000 पे कैलकुलेट होगा, चलो देख लेते। ओके ओके ओके, लेट अस अंडरस्टैंड इट हियर, एवरीवन प्लीज बी अटेंटिव। चलो मैं ले रहा हूँ यहाँ पर डेटर्स, सेल्स रिटर्न निकालने के बाद 23,000। अब ये डेटर्स है ना दोस्तों, मुझे अपने स्कूल लाइफ में अपने फ्रेंड्स की याद दिलाता है, जैसे डेटर्स होते हैं वैसे ही तुम लोगों के पास तुम्हारी लाइफ में फ्रेंड्स आएंगे। जैसे मैं बताता हूँ, देखो तीन तरह के फ्रेंड्स आएंगे तुम्हारी लाइफ में, एक होंगे बहुत ही अच्छे दोस्त, गुड फ्रेंड्स, तुम्हारे एकदम चट्टे पट्टे फ्रेंड्स, बहुत मस्त, बराबर। अब
मैं अकाउंट की भाषा में बोलूं, फाइनेंशियल टर्म्स में बोलूं, तो उनसे अगर तुमने पैसा मांगा तो वो पैसा दे देंगे, ठीक है। जैसे उसको बोला मुझे 500 रुपए देना, मैं कल देता हूं, तो उससे तुमने पैसा मांगा, उसने पैसा दे दिया। वैसे ही आपको जब उसको जरूरत होती है और आप उसको पैसा दे रहे हो, तो वो बंदा आपको एकदम सही सही टाइम पे दे देता। वो बोलता है मैं इस महीने की इस तारीख को पैसा तुझे लौटा दूंगा, अभी दे दे, और वो एग्जैक्टली वेरी पंक्चुअल उस दिन को पैसा लौटा देता है, इनफैक्ट वेरी प्रायर टू दैट, राइट। तो तुमको लगता है वाह यार तू मेरा असली यार है, इट इज अ गुड फ्रेंड। दूसरा एक होता है एकदम बदमाश, जैसे हम हैं, एकदम नफ्फट। इस बंदे से पैसा मिलना तो दूर, ये आपके पास पैसे लेने आएगा, और जब आप इसके पास पैसा लेने जाओगे, जब आप बोलोगे भाई तूने मेरे से पैसे लिए थे, तो बोलेगा हाँ ठीक है चलो 5 दिन और, ठीक है। 5 दिन बाद आप बोलते हो चलो फ्रेंड है जाने दो, 5 दिन बाद भाई मुझे भी जरूरत है जल्द से जल्द मेरे पैसे लौटा दे, बोला अरे यार रुक जा जरा सा 2 दिन का और टाइम दे दे, बराबर। 2 दिन बाद वापिस पैसे देने जाओ तो पता नहीं वो इस दुनिया में होगा भी या नहीं, वो तो गायब हो जाता है, फिर आपके फोन कॉल भी नहीं उठाता है, बराबर। सोशल मीडिया पे अच्छी अच्छी सेल्फीज पोस्ट करेगा, मस्त ढाबे पे खाने गया है ऐसा सब पोस्टिंग आएगा, पर आपका पैसा मिलेगा मिलेगा बिल्कुल नहीं, आपके पैसे देने का नाम ही नहीं लेगा ऐसा ऐसा दोस्त, इतना नफरत दोस्त आप कुछ बोल भी नहीं सकते। और दूसरा एक दोस्त है जिसको मैं कहूंगा डाउटफुल, ये ऐसे हैं कि जिनसे ना तो आप गुड फ्रेंड बोल सकते हो ना बैड फ्रेंड बोल सकते हो, ये हो सकता है शायद आप पे थोड़ा बहुत भरोसा कर ले आपकी मासूम शक्ल को देख के, और अगर आपने कुछ लेन देन की तो उसमें आपका भी थोड़ा फायदा हो जाए, तो डाउटफुल मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर अब पॉइंट शुरू हो रहा है, मजाक मस्ती बंद, यहाँ देखना अब यहाँ पे पॉइंट शुरू हो रहा है। वैसे ही डेटर्स भी अपने पास है, हमारे पास वैसे डेटर्स भी हैं, वी हैव गुड डेटर्स। गुड डेटर्स मींस दे विल पे द मनी एज पर द गिवन टाइम, राइट राइट। देन वी हैव ऑल्सो बैड डेट्स, दे विल नॉट पे द मनी एज पर गिवन टाइम, जो टाइम बोला होता उसके हिसाब से पैसा पे करते नहीं है। और डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स भी होते हैं हमारे पास, राइट। तो अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है एक बार देखो, तो इस क्वेश्चन में 10,000 का एक डेटर था, इंसॉल्वेंट हो गया, बैड डेट हो गया, 50% अमाउंट विल बी रिसीव। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा बैड डेट्स में सर आप लिख ही दीजिए कि 10,000 का एक डेटर था, 10,000 का जो एक डेटर है बैड डेट हो गया, अब उसमें से कितना अमाउंट मिलने वाला है? 5,000 तो गारंटी है मिलने वाला है। मिलने वाला है, राइट। और बैड कितना हो गया? 5,000. Can I say this bad is bad debt adjustment? Yes. Right? अच्छा, can I say this 5,000 will be my good debts? Yes. 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 ये तो अच्छा हो गया ना, मुझे पैसा मिलेगा, बराबर। अब इसका doubtful कितना है? बाकी के सारे doubtful. समझ गए? बाकी के सारे doubtful. In short. ये जो 5,000 आपको कंसेप्ट यहाँ समझना है, ये जो 5,000 है ये आपको पैसा मिलने वाला है, क्या इस पे आप रिजर्व निकालेंगे? नहीं नहीं, यही आपका आंसर है, आपको इस 5,000 पे रिजर्व नहीं निकालना है। इसीलिए यहाँ देखें ये जो 10,000 है out of 23, ये 10,000 साइड पे डाल दो,
मतलब डाउटफुल कितने रहे? डाउटफुल कितना रहा? 13,000 रहा, राइट? सो यू विल कैलकुलेट ऑन डाउटफुल, दैट इज 13,000. वैसे भी बैड डेट रिजर्व का, बच्चों एक मुझे बात बताओ, बैड डेट रिजर्व का दूसरा नाम क्या है? PDR मतलब प्रोविजन बैड डेट, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, समझ गए? डाउटफुल डेट, वेरी नाइस. सो 13,000 इनटू 5% बैड डेट रिजर्व 650. So bad debts reserve adjustment will be 650. क्या बोलते हैं इसका दूसरा नाम? Provision for doubtful debts. Doubtful debts. लिख लो, everyone. ये good debtors मिलने वाला है. बैड आपने रिकॉर्ड कर दिया, बाकी का 13,000 बच गए. एनी डाउट विद दिस? नो. चलो मजा आ रहा है? hmm. कुछ नया सीख रहे हो, फायदा हो रहा है ना एक्स्ट्रा का? ऐसा ना हो सर रिपीट पे रिपीट करते जा रहे हैं और बस हम तो सिर्फ वी आर गोइंग विद द फ्लो. मजा आ रहा है सर, फ्लो में ही जा रहे हैं हम तो, वही जलसे हैं. Are you all clear with this? Yes, sir. All right. So, bad debts reserve will be rupees 650. Yes? 13,000 में कैसे लगा? समझ में नहीं आया. क्या हुआ बेटा? ओ, वापस से समझाना एक बार bad debt reserve को. हाँ. फिर से समझाना ना एक बार. 18,000 पे नहीं, 13,000 पे आएगा. हाँ तो वही कैसे आया reason? देखो 13,000 पे इसीलिए आया क्योंकि आपको ये जो 10,000 है इस पे बैड डेट्स रिजर्व, बैड डेट्स कितना हुआ? 5,000 हो गया. ये समझ में आ गया? 10,000 into 50%. अब कैन आई से रिमेनिंग 5,000 इज व्हाट आई एम गोइंग टू रिसीव फॉर श्योर? यस. समझे? 5,000 तो मुझे गारंटी है ना, तो मिलने ही वाले हैं. क्या वो मेरा बैड डेट है? क्या वो बैड डेट है उमेश? नहीं नहीं. क्या वो डाउटफुल है? क्या वो डाउटफुल है? नहीं. श्योरिटी गारंटी, क्या लिखा सर ने? गारंटी है मिलने वाला है. डाउटफुल है? नहीं, गारंटी है मिलने वाला है. तो 18,000 में से भी 5,000 माइनस कर दोगे, समझ गए? ऑलराइट. ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे, 23 माइनस 10,000. इस 10,000 में ये है दोनों. ये देखो 10,000 का 5,000 मैंने यहाँ बाइफरकेट किया. क्लियर उवेश? क्लियर, बढ़िया. सो लेट कंटिन्यू. सो सभी से यस बेटा. सर अगर गारंटी मिलने वाला है तो हम लोग तो 10,000 पे ही लगा रहे हैं ना बैड डेट रिजर्व? नहीं लगा रहे ना, हम डाउटफुल डेट्स पे लगा रहे हैं. देखो हम 10,000 पे ही लगा रहे, तो 10,000 मतलब कि हमने 10,000 अल्टीमेटली माइनस करके 13,000 निकाला ना? हाँ 13,000 निकाला, मतलब हम 18 की जगह पे 13 पे लगा रहे हैं. कंपेयर 18 विद 13, हाँ तो वही तो बोल रही हूँ कि 10,000 माइनस करके अगर हम लगा रहे तो 13,000 आया. मतलब हमको श्योरिटी है कि वो हम ऐसा मान रहे कि नहीं वो उसमें से शायद 5,000 ना मिले तभी. करेक्ट करेक्ट, वही तो प्रोविजन. परफेक्ट, दैट इज अ प्रोविजन कि हो सकता है इतना रिजर्व रख रहे हैं, 650 का अमाउंट थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता. और नहीं भी मिल सकता. परफेक्ट परफेक्ट, आप कंसेप्ट पूछ रहे थे, दैट्स करेक्ट. सो यहां पर एवरीवन प्लीज शो दिस 13,000 × 5% बताना. मेक श्योर यू ऑल पोस्ट दिस यहां पे, जरूर लिखो तो आपको पता चलेगा 650 कैसे आया. 175. यस
1317350 इन दोनों को मैंने रेड मार्क किया है क्योंकि हम जाएंगे अब सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टैट टेबल बैड डेट एडजस्टमेंट 5000 और बैड डेट रिजर्व 650 दोनों अमाउंट हमें मिल गई यहां से मैंने रेड मार्क किया 5% एनी डाउट्स विद दिस चलो इंपॉर्टेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताओ ना एक बार हां बेटा लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस प्लस बैड डेट्स एडजस्टमेंट प्लस बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट माइनस बैड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस शायद हमारे पास ट्रायल बैलेंस वाले आइटम ही नहीं है सो यू कैन डायरेक्ट पुट इट हियर क्रॉस एंड राइट डाउन 5650 आउटर कॉलम चलो एक लास्ट एडजस्टमेंट हमारा बाकी है एनीवन हैविंग एनी डाउट्स अप टिल हियर शैल वी प्रोसीड एवरीवन यस सर पक्का यस सर चलो 10% इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट पुट इट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट वी हैव बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी 3000 10% इंटरेस्ट सो लेट अस हैव bank overdraft 3000 का हमारा बैंक का ओवरड्राफ्ट है अच्छा आप आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है आपने बैंक से पैसा लिया आपको पे करना पड़ेगा सो इट इज योर लायबिलिटी टू पे सो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट एनी डेट गिवन नो सो फॉर फुल ईयर How much percent? कितना percent? 10% 300 So outer column 3300 You can also show this different separate भी बता सकते हो but एक साथ कर दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा 300 रुपए का प्रॉफिट एंड लॉस राइट डाउन टू इंटरेस्ट ऑन बैंक थ्री हंड्रेड तो एक्स्ट्रा क्लासेस में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन ट्रांजेक्शन ले रहे हैं जो आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले इन्हें सॉल्व करने के लिए कम से कम दिमाग पे एक दो बार जोर डालना पड़ेगा और एग्जाम में डायरेक्ट उठकर ऐसे ही नहीं जा सकते इन्हें सॉल्व करके ही जाना चाहिए तभी आएंगे ऐसे एडजस्टमेंट हम ले रहे हैं डोंट वरी कैलाश सर ने बहुत ही चुन चुन के तुम लोगों के लिए एडजस्टमेंट निकाले हुए हैं नाउ सारे गिवन एडजस्टमेंट हो गए अब हिडन एडजस्टमेंट्स लोन ऑफ मंथ इंटरेस्ट 6% चलो कैलकुलेट करो तो मेरे चित्रगुप्त अकाउंटेंट बच्चों 10,000 पे लगाओ 6% इंटरेस्ट 600 यस पर उसमें से हमने क्या किया 400 दे दिया 400 इंटरेस्ट दे दिया 400 दे दिया गुड टेक ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग कितना हुआ 200 आउटस्टैंडिंग समझ गए तो 10,000 के साथ कितना प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग 200 और ये 400 के साथ प्लस करके आउटर कॉलम 600 बता देंगे चलो समझ में आ गया 200 आउटस्टैंडिंग लेट्स प्रेजेंट इट प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे सर सबसे पहले इट इज अ लायबिलिटी थ्रो डाउन लोन टेकन फ्रॉम मन 10,000 लोन प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 200 ऑन लोन अच्छा यहाँ पे मैं ब्रैकेट में बता रहा हूँ 600 माइनस 400 जो हमने अभी लिखा
400 ऑलरेडी गिवन. आउटस्टैंडिंग कितना? 200. फिर से आउटस्टैंडिंग कितना? 200. सिर्फ 200. तो यहां पर प्लस करेंगे सिर्फ 200. अच्छा, उसका दूसरा इफेक्ट लिखें. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन, एक ही लोन दिया है. अच्छा, यहाँ कौन सी अमाउंट लिखते हैं इनर कॉलम में? जो इंटरेस्ट ऑन लोन की अमाउंट है कितने रुपए? 400. लिखो 400. अच्छा, आउटस्टैंडिंग को हम क्या करते हैं? प्लस. पता चल गया. कितना प्लस करें? कितना आउटस्टैंडिंग? 200. तो मेरे पूरे साल भर का इंटरेस्ट कितना आना चाहिए? 600 रुपए. समझ में आ गया? ये भी एक इम्पोर्टेंट वाले में से था. एनीवन हैविंग इन डाउट्स, लेट मी नो. शर्माना नहीं, अपना ही क्लास है, अपना ही घर समझो. हाँ सर, अपने घर पे तो बैठे हैं, तो क्या शर्माना? बढ़िया. ओके, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट. एक और है इन्वेस्टमेंट ऑन 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी. 8% दिया है, तो 30,000 का 8% आपको इन्वेस्टमेंट करने पे इनकम बनता है. पर अभी तक आपको कहीं पे भी इंटरेस्ट मिला नहीं है. फुल आउटस्टैंडिंग. तो पुट इट ऑन इन्वेस्टमेंट. राइट डाउन हियर 8% इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 30,000. इसका आउटस्टैंडिंग 24 प्लस हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2400. बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया. 30,000 इंटू 8%. प्लस कर देंगे आउटर कॉलम 32,400. जैसे मैंने कहा, ये इंटरेस्ट ऑन लोन और इन्वेस्टमेंट अगर आप अलग भी बताते हो तो बता सकते हो, नो प्रॉब्लम. बट एक साथ करो तो बहुत इजी होता है याद रखने के लिए. देखो, आउटस्टैंडिंग विल बी ऑलवेज एडेड, जैसे लोन में हो या ओवरड्राफ्ट में हो या इंटरेस्ट में हो, है ना? इसीलिए मैं यहाँ पर साथ में लिख के जाता हूँ, तो एक हैबिट बनता है, कभी गलती नहीं होती. अच्छा, ये असेट है, रिसीवेबल. आपने इन्वेस्ट किया 2400, इनकम हो जाएगा, मिलना चाहिए ना? मिलना चाहिए कि नहीं? यस. इंटरेस्ट ऑन 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 2400. एनी डाउट्स? No. चलो फर्दर. आई डोंट थिंक सो एनी थिंग विल बी रिमेनिंग. सब कुछ हो गया? Yes. क्या बात है सर, इस बार सीसीडी रह गया. सीसीडी कैपिटल करंट एंड ड्रॉइंग. जरूरी नहीं पड़ी, सो लेट अस राइट नाउ. कैपिटल विल बी रिटन ऑन लायबिलिटी 280,000 will be of month 2,20,000 and Mohan 2,20,000 5 lakh outer column 5 lakh. yes. Current account balance 1,416 by balance brought forward. करंट अकाउंट का बैलेंस देखो एकदम लास्ट में दिया हुआ है. मन डेबिट बैलेंस. अच्छा, यहाँ मन का डेबिट बैलेंस है. सो राइट डाउन ऑन डेबिट साइड मारनी खाई लाए टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड. देखो मन का डेबिट बैलेंस है 8,000. तो हम लिखेंगे मन के कॉलम में
8000. अच्छा मोहन का है क्रेडिट तो मोहन के कॉलम में लिखेंगे 12000 हियर मन एंड मोहन डेबिट क्रेडिट एंड फाइनली ड्राइंग्स यस इसीलिए सीसीडी का है ड्राइंग्स पहले नहीं आना चाहिए ठीक है बैलेंस पहले आना चाहिए करंट अकाउंट का सो लेट अस यू कैन पुट अ डैश मैंने पहले भी कहा इट इज कंट्रोवर्शियल सो टू ड्राइंग्स अकाउंट मन एंड मोहन 3000 एंड 4500 एनीवन हैविंग एनी डाउट्स अप टिल हियर शैल वी प्रोसीड चलो अब सिंगल सिंगल आइटम परचेजेस यस परचेजेस विल बी 80000 वी हैव रिटर्न्स टू परचेजेस 80000 सेल्स रिकॉर्डेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 7000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस विल बी 7000 कैरेज आउटवर्ड Profit and loss account again, sir. 850. Please go on checking with the amount if I have any kind of mistake in amount. Office salary. Computer है तो mistake बनता है. Now, machine recorded purchase of machine recorded building recorded office salary. लिखो to office. Profit and salary. Loss. Salary. 15000. Yes. Customers recorded so debtors just mark here in bracket. Customers. अच्छा creditors, suppliers. Creditors. Suppliers. 35000. बढ़िया. Now goods returned. Goods returned में डेबिट वाला सेल्स रिटर्न हमने रिकॉर्ड कर दिया है सर एक बार बैलेंस बताओ ना हाँ बेटा ये लो परचेस रिटर्न ओके अदर्स कंटिन्यू विद द पोस्टिंग यस हो गया बेटा यस सर हो गया ओके ओके चलो नाउ परचेस रिटर्न्स 14000 66000 यस और कोई एडजस्टमेंट भगवान दया से नहीं है माइनस किया 66000 आउटर कॉलम नेक्स्ट वेट चार्जेस चार्जेस ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड फोर फिफ्टी लोन ऑफ मन रिकॉर्डेड कस्टम ड्यूटी अच्छा पुरानी टेक्स्ट बुक में कस्टम ड्यूटी दिया है नई टेक्स्ट बुक में है कैरेज इनवर्ड 1300 थ्रो डाउन कैरेज इनवर्ड जो कैरेज हमारे गोडाउन में आ रहा है जो माल गोडाउन में आ रहा है उस पे लग रहा है गुड्स कम्स इन वाले पे लग रहा है कैरिज इनवर्ड इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 1300 गुड स्टॉक ओपनिंग स्टॉक राइट डाउन ओपनिंग स्टॉक 1416 डेट दिया हुआ है 42000 बढ़िया देन वी हैव ट्रेडिंग एक्सपेंस Again, trading expenses of 1400. So we do have wages. So two wages. Debit wala amount hai, dekho outstanding wages ke saath diya hai. So debit wala amount hai wages. 750 debit expense and outstanding wages. Liability. It is a liability. Outstanding. 26 26 26 100 बढ़िया
Now commission paid in advance. Asset. Asset. बेटा जानवी कर दीजिए कमीशन पेड इन एडवांस 350 और बैंक अकाउंट वी रिकॉर्डेड बैंक ओवरड्राफ्ट कैश अकाउंट राइट डाउन वेरी लास्ट आइटम कैश बैलेंस कैश अकाउंट डेबिट वाला 20,700 इंटरेस्ट ऑन लोन रिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट इन 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिकॉर्डेड करंट अकाउंट रिकॉर्डेड नाउ लेट्स डू द फाइनल बैलेंसिंग चलो यहाँ हमारे टोटल के हिसाब से आपको क्रेडिट साइड इज हायर सो वी विल गेट विच ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड फॉरवर्ड कितना आएगा ग्रॉस प्रॉफिट 182,000 माइनस क्रेडिट माइनस ऑल द डेबिट आइटम क्रेडिट में से सारे डेबिट आइटम्स को माइनस करो 71,500 हाँ 182 माइनस 110,500 71,500 मिल रहा है इसे ले आओ यस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड ओके क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड आ गया देखो ये प्रॉफिट एक्चुअली होता है क्रेडिट बैलेंस इट अपीयर्स ऑन डेबिट साइड 71,500 पर है तो क्योंकि क्रेडिट इज हायर नाउ वी हैव हियर ओह माय गॉड इट सीम्स वी हैव हियर अ लॉस क्या हमें यहाँ पर लॉस मिल रहा है चेक इट वंस 74,700 800 -73,900 yes sir debit is higher oh my god 800 debit is higher so we will get loss balance will remain on credit side 800 how much 800 for man and mohan kya likhenge to Net divisible loss is equal to net loss. Net loss or net divisible loss यहाँ पे क्या है? Same है समझ गए? अच्छा इसका ratio क्या है? One is to one. So 400. 400. Half of divide कर दो. चलो अब ये जो लॉस है कोई यहाँ तक कर रहा है एनीवन स्टिल सॉल्विंग द क्लियर नो वन चलो आगे बढ़ते हैं 800 रुपए का लॉस मन एंड मोहन यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे क्रेडिट साइड है तो करंट अकाउंट में कहाँ जाएगा करंट साइड करंट अकाउंट ऑन डेबिट साइड डाउन टू नेट डिविजिबल law 31,317 any doubts you no yahan par hum appropriation nahi bana rahe hain isliye jo net divisible loss ya profit hota hai wo same aa jayega net divisible loss ya profit ke You will get everything. You will distribute in profit and loss account only. Now, एक partner का देखो credit side higher है और एक का debit side. So चलो सबसे पहले मन का करते हैं. मन debit is higher. So 11,400 will remain on credit side by balance carried forward. इसको किधर लिखेंगे? Balance sheet. देखो यहाँ करंट अकाउंट में कौन से हाथ पे है लेफ्ट या राइट करंट अकाउंट में किधर है लेफ्ट या राइट राइट तो बैलेंस शीट आल्सो राइट देखो बैलेंस शीट में राइट हैंड साइड है असेट राइट तो मार्क किया असेट 31,317 अच्छा मोहन का 12,000
क्रेडिट इज हायर डू इट 12,000 minus 4,900 7,100 to balance carried forward. अच्छा ये कौन से हैंड पे लेफ्ट या राइट लेफ्ट बैलेंस शीट का लेफ्ट हैंड क्या बोलते हैं लायबिलिटीज याद रहेगा दिस इज अ शॉर्टकट लास्ट में बैलेंस कहाँ लिखना है कोई झंझट होना चाहिए नहीं तो चलो नहीं मन का बैलेंस लिखेंगे करंट अकाउंट असेट पे करंट अकाउंट ऑफ मन 11,400 एंड मोहन 1,00,000 करंट अकाउंट ऑफ मोहन 7,100 योर बैलेंस शीट मस्ट गेट टैली करो 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 कैलकुलेशन तो तुमने करवाऊं जे कैलाश सर तो एक्सेल में फॉर्मूला लगा के बैठे हैं एनीवन हैविंग एनी डाउट्स विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन हमारा खत्म नो सर कोई डाउट अच्छा इसी क्वेश्चन नहीं किसी और क्वेश्चन के रिलेटेड भी कोई डाउट नो सर तो यहां पर मैं हूं लॉग आउट करने के बाद भी मैं यहां पर मिलूंगा यहां क्वेश्चन लॉग आउट हो जाएगा सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट डू लेट मी नो नाउ नोट डाउन द प्रैक्टिसेबल क्वेश्चन कीप ऑन प्रैक्टिस सिंगल क्वेश्चन एज होमवर्क राइट एंड आल्सो यू कैन फाइंड दीज ऑन आवर लर्न ऐप यू विल लर्न यू कैन फाइंड इट ऑन प्ले स्टोर आल्सो यू विल लर्न एनी डाउट्स विद यू यस बेटा सर एग्जाम में इतने सारे रिस्ट्रिक्शन एडजस्टमेंट आएंगे नहीं एग्जाम में मैक्स टू मैक्स आपको 6 ज्यादा से ज्यादा 6 एडजस्टमेंट होंगे नॉट मोर देन दैट ओके राइट ओके सो वी कंप्लीट हियर स्टे हैप्पी स्टे मोटिवेटेड कीप लर्निंग व्हाट यू आर प्रैक्टिसिंग गुड बाय एवरीवन टेक केयर बाय सर बाय गाइस Bye, sir. Bye-bye.